अस्सलामुअलैकुम जुले नमस्ते, कैसे हो आप सब। तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज कुछ ऐसा सीन दिखाऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ पे हल्का सा पानी है और यहाँ पे एक फ्लावर है आइस के ऊपर, और ये रहा स्नो। तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ हमारे यहाँ के पहाड़ों का, देख सकते हो आप लोग। बहुत ही आगे जाना है भाई। यार यार ये मेरा मुश्किल तो जो जगा लेने का तो वाला होता पहाड़ के बीच में, बिल्कुल पानी नहीं मिला। अभी एक चश्मा मिला यहाँ पे, पहाड़ के नीचे से निकल रहा है चश्मा। तो देख सकते हो भाई लोग, ऐसा कुछ व्यू है यहाँ का हमारे यहाँ के पहाड़ों का। ये देख लो यहाँ पे दूर टेंट्स लगा हुआ है बकरवाल का, जो पहाड़ों में ने बकरियां चराते समर में। बाकी ये सारे अपने बंदे जो हम लोग यहाँ पे अपने जो गाय के जो ये बच्चे होते हैं ना बछड़े, तो उन्हें देखने के लिए आइए। तो समर में उन्हें हम लोग पहाड़ों में छोड़ते हैं, इसीलिए आज उनको देखने के लिए हम लोग आए हैं। तो उनको नमक लाना पड़ता है मान लो महीने के बाद, इसीलिए उनको नमक लाया इस पहाड़ों में। तो देखेंगे, आप लोग भी देख लो, कुछ ऐसा तगड़ा वाला सीन है यहाँ का अभी तो आज। बाकी देख सकते हो आप मेरे ठीक पीछे ऐसा कुछ नजारा है हमारे पहाड़ों का। क्या ही कहना भाई लोग, देख लो। तो आप लोगों को कुछ सीन दिखाऊंगा। ये जितने सारे बकरे हैं ना, उसके साथ जो ये जो डॉग चल रहा है कुत्ता, तो ये कुत्ता इन बकरियों को आज कई दूर भागने नहीं देता है। सारों को देखो, नीचे नीचे से एक साथ सारों को साथ में ले जा रहा है कुत्ता ही। तो ऐसा कुछ होता है हमारे यहाँ पे, कुछ है यहाँ का सीन। और यहाँ पे टेंट्स लगा हुआ है बकरवाल का। देखो भाई, अलग ही देखो भाई, अलग साई भी है यहाँ पे। हल्के हल्के से बारिश आ गया अब तो। बाकी कुछ ऐसा सीन है यहाँ का, इतना दूर कुछ भी है। तो यहाँ पे कुछ कुछ गाय यहीं पे ही, अब तो सारा कुछ दिख रहा है यहीं से। ऐसा कुछ सीन है यहाँ का। तो यहाँ पे ये सारे जितने भी बछड़ों को नीचे से लाया है वो यहाँ पे रखा है। हल्के हल्के से बरसात भी आ रहा है। तो बाकी तो अभी तक
हमारा जो बछड़ा है वो तो मिला ही नहीं, पता नहीं, देखेंगे आगे जाके। यहाँ पे घोड़े भी है बाहर छोड़ के, से कुछ अलग ही सीन है भाई, देख लो। यहाँ पे छोटा सा बैंकर बना हुआ है और जो हमारे साइड से जो लास्ट विलेज पड़ता है मोस्को वैली, यहाँ से दिख रहा है ये रहा, और वहाँ से आगे परमिशन नहीं है तो आने नहीं देता है। शायद वहाँ से थोड़ा आगे आके चेक पोस्ट है आर्मी का, तो वहाँ से देखो यहाँ से ऐसा कुछ रास्ता है, मैं तो फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सीन है भाई। शायद ये वाला जो ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, जो क्लाउड्स दिख रहा है ऊपर जो माउंटेन की तरफ आ रहा है, शायद मुझे जितना याद है एक बार हम लोग यहाँ पे आ गया था, क्योंकि शायद तब जो हमारे पहाड़ में एक मशरूम मिलता है रेनफॉल के टाइम, तो उसे ढूंढते शायद यहाँ पे आ गया था एक बार जितना मुझे याद है। बाकी इस वाले रास्ते से था हम लोग, मैं तो आज तक नहीं गया हूँ। वहाँ पे जाते हैं जो हमारे यहाँ से जो इंडियन आर्मी के लिए जो वहाँ पे जो आगे पोस्टों पे जो सामान लेने के लिए हमारे यहाँ से गांव से जो घोड़े लेके जाते हैं सप्लाई के लिए इंडियन आर्मी के लिए, तो वो लोग जाते हैं आगे, तो शायद वहीं से नज़दीक में पाकिस्तान का शायद बॉर्डर भी पड़ता है, तो वाकई मुझे कुछ ज़्यादा पता भी नहीं है। बाकी देख लो भाई, नज़दीक में क्लाउड्स और सीन भी एक नंबर। बाकी तो क्या बताएं आप लोगों को, ये वाला यहाँ पे जो पोर्शन है यहाँ तक लास्ट है शायद, यहाँ से आगे किसी का भी नहीं गया अभी तक। इतना मेहनत करने के बाद एक मिल गया है, इसी को अभी नमक दे दिया है जिसके लिए हम इतने दूर आए हैं। और ये दो घर की रोटियां लेके आ गया था बीच में बटर लगा के, तो बस इसी से काम चला रहा है। हर मिनट में यहाँ पे वेदर चेंज होते रहता है, देखो अभी तो पूरा हर जगह फॉग ही फॉग हो गया। नीचे जो हमारे जो बंदे थे वो भी नहीं दिख रहे यहाँ से, अभी वहाँ पे आगे जाके आप देख लो कैमरे में, वहाँ पे कुछ गाय के बछड़े दिख रहा है, वहीं पे जाके देखेंगे कि एक तो मिला पता नहीं दूसरा कहाँ पे। एक तो फॉग की वजह से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, देख लो भाई इतना तगड़ा। हर मिनट में मौसम चेंज होते रहता है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे बकरवाल के घोड़े भी यहाँ पे छोड़ा हुआ है, और यहाँ पे कुछ कचरे भी है। ऐसा कुछ वेदर है यहाँ का, देख लो।
ये वाले जो फ्लावर्स है ना, ये तो जब स्टार्टिंग में होता है तो शायद ये शायद एक पहाड़ी जो मिलता है, ये एक सब्जी है शायद। तो उसके बाद जब ये ज़्यादा बड़ा होता है तो उसके ऊपर ऐसा एक फ्लावर होता है। तो फ्लावर होने के बाद तो इसको हम नहीं खा सकते क्योंकि उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। बाकी ऐसा कुछ फ्लावर होता है इसके ऊपर। वाह, ऊपर से यहाँ नीचे ऊपर की चोटी से हम लोग अभी नीचे आ रहे हैं। अभी भी बहुत बहुत ही ज़्यादा दूर है। नीचे जो गाड़ी रखा है हमने रोड पे, बहुत ही ज़्यादा दूर है। वो एक बंदा अपना जा रहा है यहाँ पूछ के, उससे भी ज़्यादा बहुत। वो देख लो यहाँ पे, ये वाला रास्ता है वो जो दिख रहा है सीधा नीचे। तो सुबह के 7 बजे निकल रहे थे घर से, फाइनली लास्ट में नीचे पहुंच गए।